तो मोटोरोला फ्रंटियर नाम से जितना फ़ोन यूनिक है उतना ही इसका स्पेसिफिकेशन यूनिक है। और यहाँ पे इस फ़ोन में टॉप ऑफ द लाइन हर एक चीज़ दिया गया है, चाहे हम लोग प्रोसेसर की बात करें, कैमरा की बात करें, चार्जिंग स्पीड की बात करें, चाहे डिस्प्ले की बात करें, इस फ़ोन में आपको टॉप ऑफ द नॉच हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगा। और जब मैं इस फ़ोन के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर में मोटोरोला ऐसा फ़ोन भी बना सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने रिसर्च किया, लीक्स रूमर्स के बारे में पढ़ा, यहाँ पे ये बात तो कंफर्म है कि 2022 में मोटोरोला का ये फ़ोन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और मार्केट में ये फ़ोन आते ही मोटोरोला तबाही मचा देगा पूरे टेक इंडस्ट्री को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यही मोटोरोला फ्रंटियर के बारे में। यहाँ पे ये वाला जो फ़ोन होगा इसमें आप लोगों को 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। रिसेंटली यहाँ पे सैमसंग ने अनाउंस कर दिया है उन लोगों का 194 मेगापिक्सल का कैमरा, और इस स्मार्टफोन में वही कैमरा हम लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बैक कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 200 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का तीन कैमरा देखने को मिलेगा। अगर हम लोग फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आप लोगों को 60 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इस फ़ोन का होने वाला है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ, यहाँ पे 144 हर्ट्ज का आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा लाजवाब बनाएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कर्व डिस्प्ले होने वाला है, और नॉर्मली आजकल के फ़ोनों में जितना कर्व होता है उससे कहीं ज़्यादा ये स्मार्टफोन कर्व होने वाला है। तो ओवरऑल फ्रंट से इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी आपको तगड़ा रखने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड डिज़ाइन की बात करें तो ये 200 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो दिखने में काफ़ी आपको सॉलिड लगने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे कम्प्लीटली ये जो फ़ोन होगा वो ग्लास बिल्ड के ऊपर आएगा। कहा जा रहा है कि इस फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस का यूज़ किया जाएगा, जो कि यहाँ पे इस फ़ोन का प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सफिशियंट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे फ्रेम की बात करें तो इस फ़ोन का फ्रेम मेटल फ्रेम होगा। अगर हम लोग यहाँ पे फ़ोन की बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको नॉर्मल 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, लेकिन बॉक्स के साथ आपको 125 वाट का सुपर चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि इस फ़ोन को लगभग 13 से 14 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा। इस वाली टेक्नोलॉजी आज से पहले किसी भी फ़ोन में आपको मार्केट में देखने को नहीं मिला है। तो ओवरऑल जितने भी फ़ोन आज के डेट में आप लोगों को मिल जाता है उसमें आपको 120 वाट का हाईएस्ट चार्जर देखने को मिलता है, जबकि इस फ़ोन में आपको 125 वाट का हाई स्पीड चार्जर देखने को मिलेगा। इस फ़ोन में कैमरा होने वाला है इसका हाईलाइट पॉइंट, जिसमें 200 मेगापिक्सल से लिया गया पिक्चर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी आएगा और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्लियर आएगा। तो कहाँ ये जा रहा था कि S22 अल्ट्रा सीरीज में आपको यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन S2020 अल्ट्रा में आपको इस कैमरा देखने नहीं मिला है। और ओवरऑल यहाँ पे मोटोरोला वो पहला कंपनी होगा जिसके साथ आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इस फ़ोन की प्रोसेसर की बात करें तो इस फ़ोन में आप लोगों को प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि रिसेंटली 8 Gen 1 प्रोसेसर का एक प्लस वेरियंट होने वाला है। और यहाँ पे 8 Gen 1 प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, और इसका प्लस वेरिएंट जो होगा वो इससे कई मामलों में तगड़ा होने वाला है। ओवरऑल यहाँ पे इस फ़ोन का भी बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मार्केट में आ रहा है। बाकी आप लोगों को इस फ़ोन के बारे में अगर और कोई भी डिटेल्स में पता है तो आप लोग हमारे साथ कॉमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।